Hey guys, welcome back to my channel और आप देख रहे हैं मोटल प्रिज्म। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की वॉल्यूम 3 के ऊपर, जो कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी होने वाली है, क्योंकि अब इसके बाद जेम्स गन जो है डीसी की मूवी में शिफ्ट करेंगे। तो शायद अभी हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की रियलिटी कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा। एंड ओवरऑल जिस तरीके से चीजों को इन किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट लगता है एंडिंग के हिसाब से। तो चलिए मूवी के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हमें मूवी में क्या क्या देखने को मिला है। अब इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के लिए आपको गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखने की जरूरत है, जिससे आपको पता चलेगा गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के कैरेक्टर्स के बारे में, प्लस इनकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बात करें इसके थर्ड पार्ट के ऊपर, जो इसका करंट पार्ट है, यहाँ पर इसकी जो पूरी ओवरऑल स्टोरी है वो रॉकेट के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करती है, जहाँ हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है और ये सारी चीजें कैसे मूवी की मेन एंटागोनिस्ट हाई इवोल्यूशनरी से कनेक्ट होती है, प्लस इसमें एडम वॉरलॉक का क्या रोल रहता है, वही सारी चीजें मूवी के अंदर प्रेजेंट की है। जब कॉन्सेप्ट वाइज बात करो तो कुछ ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमें दिखाई नहीं गई है, लेकिन मैं स्टिल आपके लिए कोई चीज स्पॉइल नहीं रखना चाहता, तो इस टॉपिक को करेंटली ऑफ करके इसकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो चीज नोटिस की है वो है मूवी में दिखाई कैरेक्टर्स, जहाँ पर हमें मूवी के पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलती है एंड ओवरऑल उनका डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी के ऊपर भी चीजें दिखाई गई है। और थ्रू आउट द सीरीज हमें पता चला है कि उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी चीजें तो ठीक थी। लेकिन इसके साथ हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि मूवी का मेन एंटागोनिस्ट ले लो, जो कि था हायर एवोल्यूशनरी, जो कि भाई मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, क्योंकि इसी कारण तो भाई मूवी फॉर्म हुई है। अगर इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो इसके भाई काफी यूनिक आइडियोलॉजी है, जहाँ पर ये परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है और इसके लिए वो कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किया है, जिनमें से अगर एक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो खुद रॉकेट है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे एक चीज जो थोड़ा खटक रही थी वो थी कि भाई इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग हमें कुछ खास डिटेल नहीं पता चलती है। हमें डायरेक्टली ऐसा दिखा दिया जाता है कि एक मैथ साइंटिस्ट है, जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई भी हद पार करने को रेडी है। अब ये चीज जानने वाली बात है कि भाई बंदा इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन वही बात है कि बुरा भी उतना ही है। इसके अलावा दूसरा जो नया कैरेक्टर हमें मूवी के अंदर दिखाया गया है उसका नाम है एडम वॉरलॉक, जो कि मूवी के अंदर मेरे को लगा था कि थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन मूवी देखकर पता चल जाता है कि इसका रोल मूवी के अंदर कुछ ज्यादा नहीं था। मतलब इसका इम्पोर्टेंस तो था, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही था, जहाँ पर हमें इसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में थ्रू आउट द मूवी काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब मूवी के स्टार्टिंग में इसके जो एम्बिशंस थे, जो गोल थे, वो डिफरेंट थे, और एंडिंग आते आते इसकी जो कम्प्लीट पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है, जो कि मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और चीजें जिस तरीके से दिखाई गई है वो डिसेंट है, लेकिन जिस तरीके से इसके कैरेक्टर आर्क को सेट किया गया है वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजों को इस तरीके से दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर आप एडम वॉरलॉक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो भाई बहुत बड़ा कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का। अब वो देखा जाएगा कि इसके क्या फ्यूचर प्लान्स दिखाए जाएंगे। इसके अलावा हमको ज्यादा कोई नए कैरेक्टर्स तो देखने को नहीं मिलते, बस रेवेंजर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो कुछ ज्यादा खास नहीं था, और फिर नो वेयर में जितने कैरेक्टर्स है वो सारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मूवी में रॉकेट के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जहाँ पर हमें इसकी बैक स्टोरी देखने को मिलती है और हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके से क्रिएट हुआ था, कैसे उसका ओरिजिन फॉर्म हुआ था, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि उसकी स्टोरी कितनी ज्यादा ट्रेजिक और कितनी ज्यादा डार्क थी। प्लस हमें मूवी में ये भी पता चलता है कि इस कैरेक्टर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिखाया गया था, जो कि हमें मूवी के एंड में पता चलता है, और मैं उस चीज को स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन वो चीज काफी डिसेंट थी और यही से जो है पूरा जो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की ट्रिलॉजी थी वो एंड होती है। प्लस जो भाई रॉकेट का ओवरऑल ग्रोथ है, जो पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है फर्स्ट पार्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक, वो भाई कमाल का था। जब फर्स्ट पार्ट में वो काफी जरा मजाकिया टाइप का इसका मिजाज था, लेकिन थ्रू आउट द मूवी वो चीज काफी हद तक मैच्योर होती गई, और इस पर्टिकुलर पार्ट में जिस तरीके से इस कैरेक्टर को कम्प्लीट दिखाया गया वो बहुत ही मैच्योर लगता है। मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है कैरेक्टर के ऊपर। इसके अलावा हम कुछ फ्लैशी चीजों के ऊपर बात करें, जैसे कि मूवी का एक्शन, तो भाई मुझे मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस काफी लाजवाब लगे। अब जो मूवी का स्टार्टिंग वाला एक्शन सीक्वेंस था ना, मुझे बहुत ही प्लेन लगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और मुझे लग रहा था कि क्या आगे में कुछ अच्छे सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली मूवी में जो आगे वाले एक्शन सीक्वेंसेस थे ना वो सच में लेजिट लाजवाब थे। जैसे कि अगर आप स्टार लॉर्ड और ग्रूट वाला सिनेरियो ले लो, जब वो हाई इवोल्यूशन के प्लेन में जाते हैं और फिर जो एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलता है वो काफी अच्छा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिनेरियो दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई स्पेसशिप वगैरह सा फाइट होती है, जो काइंड ऑफ हमें स्टार वॉर्स वाली फील दे रही थी, और वो चीज भी देखने में काफी जबरदस्त लग रही थी। लेकिन जो मेरा फेवरेट सिनेरियो था वो लॉबी वाला सीक्वेंस था, जहाँ पर हमें एक साइड में गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सारे मेंबर्स देखने को मिलते हैं और दूसरे साइड में हाई इवोल्यूशन की आर्मी फोर्स देखने को मिलती है, और जब इन सब के बीच में फाइट होती है वो काफी ज्यादा ब्लडी रहती है। मतलब सामने जो क्रिएचर्स थे वो एलियन टाइप के क्रिएचर्स थे, वरना अगर असली इंसानों के साथ वो मारकाट दिखाया जाता ना तो चीजें आसानी से आर रेटेड थी। और साथ ही साथ
साथ उसके साथ जो कैमरा वर्क्स का इस्तेमाल किया गया है एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाने के लिए, भाई वो भी लाजवाब थे। मतलब इस मामले में भाई जेम्स गन ने भाई काफी अच्छा डायरेक्शन किया है मूवी के ऊपर, और यही चीज तो मुझे लग रहा है कि हम मिस कर रहे थे मार्वल्स की मूवी से, एक अच्छी स्टोरी लाइन एंड ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस। इसके अलावा मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स के ऊपर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा एपिक, जहाँ मूवी के अंदर हमें काफी बढ़िया बढ़िया सिनेरियोस देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने बताया कि एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे थे, और साथ ही साथ हमें काफी बढ़िया विजुअल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, और जो पूरे ओवरऑल जो वर्ल्ड बिल्डिंग की गई है ना, वो सारी चीजें वीएफएक्स और सीजीआई के बगैर पॉसिबल ही नहीं थी। जब मूवी के 90% से ज्यादा जो सिनेरियो है वो वीएफएक्स और सीजीआई के कारण ही पॉसिबल थे, और उसके कारण चीजें जिस तरीके से दिखाई गई है ना वो लाजवाब थी। जैसे कि मैंने एक एक्शन सीक्वेंस बताया था जिसमें हमें पूरा स्टार वॉर्स वाला फाइट सीन देखने को मिल रहा था, तो वो सारी चीजें में बहुत बढ़िया काम हुआ है वो देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो हमें यहाँ पर 3D कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें क्रिएट किया गया है, वो भी बहुत रियलिस्टिक और काफी अच्छे लगते हैं देखने में। लाइक स्टोरी के साथ जो विजुअल एलिमेंट देखने को मिलता है ना वो काफी अच्छा है, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत बेसिक है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो विजुअल एलिमेंट है उस चीज को काफी ज्यादा ग्रैंड बना देते हैं। और अगर अब कोई बोलता है कि मार्वल्स के जो सीजीआई वीएफएक्स है वो अच्छे नहीं है, तो भाई अब वो सिंपली ट्रोल कर रहा है मूवी को, क्योंकि यहाँ पर अब जो काम हुआ है ना वो बहुत ही जबरदस्त था। और नॉट ओनली दैट, इसके साथ जो भाई एक्टर्स के एक्टिंग है वो भी बहुत बेहतरीन लग रही है। मतलब मुझे पहले के दो पार्ट के मुकाबले में इस पार्ट में जो एक्टर्स की एक्टिंग है ना वो बहुत ही जबरदस्त लग रही थी, क्योंकि इसमें हमें वो इमोशन भी देखने को मिल रहा था, ड्रामा भी देखने को मिल रहा था, और इसके साथ जो कॉमेडी वाला एलिमेंट को ब्लेंड करके दिखाया गया है वो भी अच्छा था। यानी कि भाई सीरियस कंडीशन तो थी, लेकिन इसमें भाई मार्वल्स का वो कॉमेडी वाला चार्म भी था, एंड ओवरऑल इन सब के चलते यार मूवी काफी बैलेंस आउट भी हो जाती है। तो अगर इन्हीं सारे फैक्टर्स को लेकर अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस मूवी को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा, जहां पर फाइनली जाकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्वल्स ने हमारे सामने एक ऐसी मूवी प्रेजेंट की थी जो कि हम एज अ ऑडियंस देखना चाहते थे, जो कि अपने स्टोरी के मुद्दे से भटके ना और कैरेक्टर्स के बीच में जो डेवलपमेंट है वो सारी चीजें हमें देखने को मिले। जहां पर सिंपली इस बारे में बात करें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये मूवी वर्थ टू वॉच है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्वल्स की फेज 4 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बन चुकी है। प्लस मूवी को जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, अब ये पूरी की पूरी मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू ओवर द मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इसी तरह की फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।